हेलो फैक्टो फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि वो पाकिस्तान जो आए दिन भारत पर कोई ना कोई झूठे इल्जाम लगाता रहता है, कभी खुद बलूचिस्तान की दास्ता क्यों बयान नहीं करता। भारतीय कश्मीर में विकास होते देख पाकिस्तान को मिर्ची लग जाती है। और अगर हमारे पीएम मोदी पर सिर्फ बलूचिस्तान के हक और विकास की बात करें तो पाकिस्तान वहाँ हो रहे प्रोटेस्ट के पीछे भी भारत का हक बता देता है। आज भी सभी बांग्लादेश के जेनोसाइड की बात करते हैं, लेकिन 70 सालों से आज तक जो जेनोसाइड बलूचिस्तान में चल रहा है वो किसी को नहीं दिखा, या कहें देखने ही नहीं दिया जा रहा था। उसी का नतीजा आज ये है कि 70 सालों की वो आवाज आज आक्रोश बन चुकी है। आपको बता दूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के बाकी प्रांतों से काफी अमीर है, क्योंकि बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, जैसे गोल्ड, कॉपर, नेचुरल गैस और भी बहुत कुछ। लेकिन फिर भी वहाँ के लोग आज गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जीने को मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार सिर्फ बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का दोहन करती है लेकिन वहाँ के लोगों के लिए कुछ करती नहीं। और तो और उसके बदले में पाकिस्तानी सेना बलूची लोगों के साथ बदसलूकी करती है, यहाँ तक कि आवाज उठाने पर वहाँ के बड़े बड़े नेताओं को गायब करवा दिया जाता है। पर कभी आपने सोचा है कि आखिर जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान पहले से ही पसंद नहीं था तो उन्होंने पाकिस्तान में दिले का डिसीजन क्यों लिया। डिसीजन लिया तो लिया, लेकिन अब हालात इतने खराब होने लगे। और तो और इसी वजह से अब चाइना ने पाकिस्तान को लोन भी देने से मना कर दिया है। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं बलूचिस्तान और पाकिस्तान विवाद की इतिहास से लेकर आज तक की पूरी कहानी, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के टाइम में चाइना भी अंग्रेजों की तरह डेवलपमेंट के नाम पर दूसरे देशों में आता है और आकर डेवलपमेंट को छोड़ वहाँ की रिसोर्सेज का दोहन करने लगता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ टाइम पहले ऐसे ही प्रोटेस्ट श्रीलंका के लोकल्स ने भी किया था, जब चाइना श्रीलंका के हम्बनटोटा पर पोर्ट बनाने का काम कर रहा था। उस प्रोटेस्ट की असल वजह ये थी कि चाइना वहाँ के समुद्र से बहुत बड़ी मात्रा में मछलियाँ एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आपको बता दूं, चाइना मछलियों को पकड़ने के लिए बहुत ही उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिसमें शिप्स तो समुद्र में ऊपर रहती हैं, लेकिन मछली पकड़ने का जाल समुद्र के नीचे तलहटी से मछलियों को ग्रैब करता है। और इस तरह चाइना पोर्ट के निर्माण की आड़ में वहां से बहुत बड़ी मात्रा में मछलियों को एक्सपोर्ट करता है। अब आप कहोगे मैं आप सबको ये क्यों बता रही हूं? तो आपको बता दूं, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार से पहले ही परेशान थे, लेकिन जब से चाइना सीपैक के कार्य के लिए ग्वादर पोर्ट पर आया है, वहाँ भी चाइना पोर्ट बनाने की आड़ में यही काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ के रिसोर्सेज का दोहन भी कर रहा है, वहाँ के लोकल्स का रोजगार खत्म होने की कगार पर है। इसलिए बलूचिस्तान के लोग सीपैक प्रोजेक्ट साइट यानी कि ग्वादर एरिया में काम कर रहे चाइनीज लोगों पर भी हमला बोल रहा है। इस समय चाइना के लिए पाकिस्तान में उसके नागरिकों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गई है। अब पाकिस्तान मुसीबत में है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को साफ साफ बोल दिया है कि या तो पाकिस्तान सरकार चाइना से आए लोगों की सुरक्षा करे, वरना जो लोन उसे चाइना देने वाला था उसे भूल जाए। बलूचिस्तान में अब आजादी की मांग इस कदर बढ़ चुकी है कि इसमें महिलाएं भी शामिल हो चुकी हैं। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। भारत विभाजन से पहले बलूचिस्तान एक अलग रियासत हुआ करती थी, बस फर्क इतना था कि यहाँ अंग्रेजों का सीधे तौर पर कोई कब्जा नहीं था। उस समय बलूचिस्तान चार मेजर एंटिटी से मिलकर बना था, कलात, मकरान, कुरान और लाजपुला। जब भारत विभाजन का फैसला हुआ तो इन एंटिटीज को भी अधिकार दिया गया कि वो भारत या पाकिस्तान किसी भी राष्ट्र के साथ विलय कर सकते हैं या खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। लेकिन मार्च 1948 में कलात के अलावा बाकी तीन एंटिटीज ने पाकिस्तान के साथ विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन उस समय भी द खान ऑफ कलात खुद को पाकिस्तान या भारत दोनों में से किसी भी देश के साथ विलय नहीं करना चाहते थे। लेकिन उस समय हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि बाकी एंटिटीज और पाकिस्तान सरकार के दबाव में आकर द खान ऑफ कलात ने भी अप्रैल 1948 में पाकिस्तान में विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का विलय तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान के लोगों को कभी अपनाया नहीं। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का तो खूब दोहन किया, लेकिन जब भी बलूचिस्तान के लोगों के लिए कुछ करने की बात आती तो पाकिस्तान सरकार द्वारा पाकिस्तानी सेना को आगे कर दिया जाता था। इसी के प्रतिरोध में 70 के दशक में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी PLA का गठन हुआ। समय के साथ साथ ऐसे ही कुछ और संगठन सामने आए, जैसे
से बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स यानी PRG। साल सन 2005 में PLA खबरों में आया जब उसने परवेज मुशर्रफ पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली। साल सन 2006 में पाकिस्तान ने BLA को UN में आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। पाकिस्तान की सरकार और वहां की आर्मी इस प्रतिरोध को बेदर्दी से कुचलती रही, लेकिन पाकिस्तान सरकार और सेना जितना बलूचिस्तान और वहां के आवाम को दबाने और सताने अत्याचार के काम करती रही, उतना ही ताकत से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बाकी संगठन भी उसका विरोध करते रहे। लेकिन इस पर पूरी दुनिया का ध्यान उस वक्त गया जब सन 2016 में हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से बलूचिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचार और संघर्ष की बात की। तब उनके समर्थन में बहुत बड़ी संख्या में ट्विटर पर ट्वीट्स किए गए थे। इतने सालों से सक्रिय ये संगठन अब तक दर्जनों हमले कर चुके हैं। PLA के संगठन में एक बड़ा बदलाव आया सन 2018 में। सन 2018 में बलोच आजादी के लिए लड़ रहे दो और ग्रुप PLF और BRG BLA के साथ जुड़ गए और एक नए संगठन की शुरुआत की गई, जिसका नाम पड़ा बलोच राजी अजोई संगर यानी बराज। पहले तो इनका विरोध पाकिस्तान से था, लेकिन जब से पाकिस्तान ने चीन को कुछ खनिजों के दोहन की अनुमति दी है तब से यहाँ काम करने वाले चाइनीज इनके निशाने पर है। बराज ने घोषणा की कि वो पाकिस्तानी सेना के साथ साथ चीन से जुड़े प्रोजेक्ट यानी CPEC की आड़ में हो रहे खदानों के दोहन के खिलाफ चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बराज की खासियत ये है कि इस संगठन को बलूचिस्तान के मिडिल क्लास का सपोर्ट हासिल है। पिछले 3 सालों से लगातार हो रहे इन हमलों से एक बात साफ है, बराज की ताकत दिन पर दिन बढ़ रही है। आए दिन किसी न किसी हमले की खबर मिलती ही रहती है। अब देखना ये है क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान के आगे घुटने टेक देगा और क्या बलूचिस्तान को नए राष्ट्र के तौर पर मान्यता देगा। तो ये थी बलूचिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े विवाद की पूरी कहानी। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए इस पर आपकी राय क्या है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।